नमस्कार। आप में से बहुत से लोग अभी ऐसे होंगे जो अभी नई गाड़ी परचेज़ करने के बारे में सोच रहे होंगे। वो ये सोच रहे होंगे कि हमारे घर भी एक नई गाड़ी आ जाए, और लेकिन उनके मन में काफ़ी ऐसी उथल पुथल चल रही होगी कि गाड़ी लें तो कौन सी लें, मतलब डीजल में लें या पेट्रोल में लें। तो आज इस वीडियो में मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपके वो सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ, और इस बात को हम अच्छे से समझेंगे कि अपने लिए या आपके लिए जो भी आप गाड़ी परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं वो उन उसमें आपके लिए क्या ज़्यादा बेस्ट रहेगा, मतलब आपके लिए क्या कारगर साबित होगा। इस बारे में आज हम बात करेंगे कि डीजल कार ज़्यादा प्रेफर रहेगी या पेट्रोल कार प्रेफर रहेगी। देखिए, अगर आप कार परचेज़ करने के बारे में जा रहे हैं तो सबसे पहले बात आती है गाड़ी की प्राइस की, कॉस्ट की। अगर आप गाड़ी के प्राइस में अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे, जब आप रेट देखेंगे, देखिए एक शोरूम प्राइस तो होती जो होती है वो शोरूम की होती है, लेकिन उसके अंदर बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें जुड़ी जाती हैं, जैसे रोड टैक्स, इंश्योरेंस और अदर चार्जेस जुड़ के ऑन रोड प्राइस डिसाइड होता है। एक बात हो गई ये। दूसरी बात यह है कि जो डीजल जो पेट्रोल कार्स है उसमें रोड टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा कम लगाया गया है, लेकिन जो डीजल कार्स हैं उनमें जो जो आप अगर उसकी ऑन रोड जो से रोड टैक्स की बात करेंगे और इंश्योरेंस की बात करेंगे तो वो पेट्रोल कार से थोड़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए ऑन रोड प्राइस में आते आते डीजल कार की प्राइस पेट्रोल कार से करीब करीब 1 लाख या 1.25 लाख रुपए के तक का उसमें फ़र्क नज़र आ जाता है, वो महंगी हो जाती है। इसीलिए सबसे पहली बात का प्राइस में फ़र्क आ जाता है। तो अब आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या ज़्यादा प्रेफर रहेगा, बेस्ट रहेगा। अब बात आती है गाड़ी के आपके किलोमीटर्स रनिंग की, कि आपकी किलोमीटर्स कितना है, आप कितनी गाड़ी को चलाएंगे। अगर एक सर्वे के मुताबिक अगर आपकी डेली की किलोमीटर्स की एवरेज करीब 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर या महीने की कैलकुलेशन के हिसाब से देखें 1500 या उससे अधिक उससे कम किलोमीटर्स में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके लिए पेट्रोल कार ज़्यादा प्रेफर रहेगी। क्योंकि प्राइस में आप देखेंगे तो मैंने आपको जैसे ही बताया कि 1 लाख से 1.5 लाख या 1.25 लाख के बीच में फ़र्क आ जाता है, इतनी महंगा फ़र्क आ जाता है, और इतने आप एक्स्ट्रा पैसे देकर उतना उस कार को यूज़ भी नहीं करेंगे तो वो जो आपके जो एक्स्ट्रा पैसे लगे हैं वो आपके वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा, तो वो कोई समझदारी वाली बात नहीं रहेगी। तो आप अगर कैलकुलेशन अगर बैठ के तसली से कैलकुलेशन करके देखेंगे कि आप अगर आपको गाड़ी 4 से 5 साल चलानी है और आपके महीने की किलोमीटर्स की जो रनिंग इतनी है तो आपका एवरेज अगर आज की पेट्रोल की जो कीमत है 115 रुपये के आसपास है तो आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो इतना भी आपका पेट्रोल का जो पैसा है वो इतना यूज़ नहीं होगा, तो वो वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा। तो पहले आपको ये देखना है कि आपकी जो किलोमीटर्स की रनिंग कितनी है। अगर आपकी किलोमीटर ज़्यादा है, रनिंग ज़्यादा है, रोज़ की अगर एवरेज की बात करें अगर 100 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है, या फिर महीने में अगर देखें तो 3000 या 4000 या उससे ज़्यादा की अगर आपकी रनिंग है तब आप डीजल कार की तरफ मूव हो सकते हैं, वहाँ पे आपके लिए बेटर डील साबित हो सकती है। तो एक दूसरी बात ये होगी किलोमीटर्स की। तीसरी बात आती है गाड़ी के मेंटेनेंस की और गाड़ी के सर्विस कॉस्ट की। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि डीजल की जो कार है उसमें जो डीजल इंजन की जो कार है उनमें जो सर्विस कॉस्ट है वो पेट्रोल कार के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा आती है सर्विस कॉस्ट। उसका एक्चुअली कारण भी यही है कि जो उसके स्पेस जो इंजन होता है थोड़ा भारी होता है, उसमें लगने वाले जो पार्ट्स हैं वो पेट्रोल इंजन से जो है उसमें से उसके साइज़ के हिसाब से थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं, और उसमें इसीलिए उसमें एक टर्बो चार्जर भी आता है। बाई चांस कभी अगर वो ख़राब हो जाए तो वो भी बहुत कॉस्टली आता है। इसीलिए जो डीजल कार्स हैं उसमें सर्विस कॉस्ट और मेंटेनेंस थोड़ी पेट्रोल कार से थोड़ी ज़्यादा महंगी आती है। तो एक बात तीसरी बात ये हो गई। चौथी बात अगर हम बात करेंगे तो गाड़ी के नॉइज़ और पॉल्यूशन की। जी हाँ, बिल्कुल, जो डीजल कार्स हैं, जो डीजल इंजन वाली जो गाड़ियाँ हैं वो उनका जो इंजन का जो साउंड है वो थोड़ा सा पेट्रोल कार से थोड़ा ज़्यादा होता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। भले ही जो कार इंडस्ट्री मार्केट है वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत करके डीजल कार के जो इंजन उनको इतना अच्छा स्मूथ बना दिया है कि इतना पता नहीं चलता है कि डीजल गाड़ी है पेट्रोल, लेकिन फिर भी उसमें जो साउंड है, जो नॉइस है, वो पेट्रोल कार के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। पेट्रोल कार थोड़ी स्मूथ चलती है, ये बात बिल्कुल सही, उसमें इतना नहीं होता, लेकिन डीजल कार में नॉइज़ थोड़ा बहुत आता ही आता है। इसमें एक बात और शामिल हो जाती है, वो है गाड़ी के पॉल्यूशन की। बिल्कुल, डीजल कार की वजह से जो इंजन में से जो धुआं जो स्मोक निकलता है उसमें ऐसी कुछ जहरीली गैसेज होती हैं जो कि इस वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है, हमारे लिए भी बहुत हानिकारक है, उसमें कई सांस की तकलीफ़ें भी पैदा हो जाती है। इसीलिए डीजल कार में पॉल्यूशन पेट्रोल कार के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा आती है। इसीलिए
हमारे जो जो अपनी गवर्नमेंट है उन्होंने भी ये हिसाब से डिसाइड कर रखा है कि जो पेट्रोल कार है उनकी लाइफ 15 साल और डीजल कार जो है उनके लिए 10 साल निर्धारित की गई है। उसका कारण यही सबसे बड़ा है कि उनके सर्वे के मुताबिक डीजल कार का जो इंजन है वो हद से हद आप 10 साल तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से फिर वो जो इंजन है वो फिर धीरे 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 कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है, वो पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाता है। इसीलिए रोड टैक्स में भी उनका जो प्राइस है वो पेट्रोल कार से थोड़ा ज़्यादा रखा गया है। एक बात, चौथी बात ये हो गई। पांचवी बात जो आती है वो ये आती है कि अब ऐसी स्थिति में किया जाए और उसकी जो रीसेल वैल्यू है, रीसेल वैल्यू में अगर हम बात करें तो रीसेल वैल्यू पेट्रोल कार की डीजल कार से थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी होती है। उसका कारण यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि कार की जो एज है, जो वैलिडिटी है, वो 10 साल डीजल कार की या पेट्रोल कार की 15 साल। तो इससे साफ पता चल जाता है कि पेट्रोल कार की लाइफ डीजल कार से ज़्यादा है। इसीलिए पेट्रोल कार की जो आपकी जो रीसेल वैल्यू है वो डीजल कार से ज़्यादा मिलती है। तो यही कारण है। तो अब आपको पूरा कैलकुलेशन करके देखना है कि आपका बजट कितना है, प्राइस जो ले रहे हैं, फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी किलोमीटर्स कितनी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात किलोमीटर्स की रहती है। अगर आपकी इतनी रनिंग ही नहीं है तब तो डीजल कार लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर बात रीसेल वैल्यू की भी आ जाती है और पॉल्यूशन की भी आ जाती है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो जितने रिस्ट्रिक्शंस अब आने वाले टाइम में तो और ज़्यादा गवर्नमेंट इस चीज़ में ज़्यादा कड़क होने वाली है। तो ये सब चीज़ें आपको बैठ के सोचनी है, करनी है। अब बात आती है कि क्या किया जाए। देखिए, आपको सीधा सा सिंपल सी बात है कि आपकी अगर रनिंग ज़्यादा है तब तो आप डीजल कार ही लिए। अगर आपकी महीने की आपकी रनिंग ज़्यादा है, अगर आपको ज़्यादा अपने सिटी से या दूसरी सिटी में या दूसरे स्टेट में ज़्यादा आना जाना पड़ता है तब तो आप डीजल कार में जा सकते हैं, वरना आप सही समझदारी तो यही है कि आप पेट्रोल कार ही लें। मेरा सजेशन पवन जी कार वाले की तरफ से आपके लिए यही सजेशन रहेगा कि आप पेट्रोल कार ही लें, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा नहीं है तो ये आपके लिए बेटर डील साबित होगी। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके नीचे सेक्शन बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। पसंद नहीं आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। आने वाली जो भी वीडियोस होगी मैं उसमें नई नई नॉलेजेस और नई नई जानकारी आपके लाते रहूँगा। आपके सपोर्ट से आप मेरे चैनल में, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। प्लीज़ टेक केयर एंड जय हिंद।